खतरनाक रक्षक। दोस्तों ये एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जो कि लगभग 1 घंटा 55 मिनट की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म रेट में। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस मूवी की कहानी की, तो मूवी की जो कहानी है वो एक ऐसे इंसान पे फोकस करती है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर अमीर बनना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है बहुत सारा। अब होता क्या है कि वो जो इंसान होता है उसको रात में नींद नहीं आती और इसी कारण वो एज अ फ्रीलांस रिपोर्टर काम करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों वो जब एज अ फ्रीलांस रिपोर्टर काम करना शुरू करता है तो वो कुछ ऐसे ऐसे पहलुओं पर पहुंच जाता है, उसकी जो जिंदगी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाती है और वो एक धीरे धीरे दलदल में फंसता चला जाता है कुछ चीजों को लेके। अब दोस्तों आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी, ये सभी चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मूवी का जो कंसेप्ट है वो मुझे अच्छा लगा और स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, आपको पूरी मूवी के एंड तक बांध के रखता है और जितने भी कैरेक्टर्स आपको मूवी के अंदर नजर आएंगे उनकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी आपको अच्छा लगेगा, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे और जो मूवी का क्लाइमेक्स होने वाला है वो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। खासकर जो लास्ट के 20 मिनट्स होंगे उसमें आप चौंक जाओगे, क्योंकि वो जिस तरीके से चीजें दिखाता है और अपने बारे में बताता है तो वो नजरिया जो होगा ना दोस्तों वो आपको चौंका देगा। तो अगर आपका मन है ये मूवी देखने का तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6.5 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।